देश भर में आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है और इस मौके पर देश भर के नेताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया है। इस मौके पर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी अपने कार्यकर्ता और नेताओं के साथ बाबा साहेब अंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित की और बाबा साहेब अंबेडकर जी को याद किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बाकायदा ट्विटर से ट्वीट करते हुए एक पोस्ट भी लिखी है जिसमें उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर जी को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उनके की ओर से उन्हें शत शत नमन और हार्दिक श्रद्धा सुमन। करोड़ों कमजोर और उपेक्षित वर्गों तथा मेहनत कर समाज आदि के हित और कल्याण के प्रति उनके महान और ऐतिहासिक योगदान के लिए देश हमेशा ऋणी और कर्तव्य रहेगा। जातिवादी मानसिकता से ग्रसित विरोधी पार्टियां और उनकी सरकारें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों और संदेशों की कितनी ही अवहेलना करके उन्हें अनुयायी पर शोषण, अन्याय, अत्याचार, द्वेष आदि जारी रखे, किंतु उनका आत्मसम्मान और स्वाभिमान बीएसपी मूवमेंट रुकने और झुकने नहीं देगा। ये बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से बयान